रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे आरआरबी जेई और एनटीपीसी स्पेशल टॉपिक है जिसमें करंट अफेयर की टॉपिक की बात कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न आ रहा है। तो ये पार्ट वीडियो का पार्ट नंबर 7 है जिसमें चेयरमैन, एमडी, सीईओ, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, कमिश्नर, एडवाइजर और गवर्नर, इसी तरह के टॉपिक जितने भी है भारत के प्रमुख संस्थाओं के जो जो हेड हैं या प्रमुख है उनके बात करेंगे। तो बहुत सारे संस्था भारत में है लेकिन यहाँ पर हम 58-59 लेके आए हैं जो मेन है उनके प्रमुख, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कुछ इंटरनेशनल WHO वगैरह का भी एक दो प्रश्न है लेकिन मेन फोकस भारत के रूप में है। इसमें आपका लोकपाल का भी इसमें सम्मिलित किया हुआ है, SBI, LIC, NABARD, PTI वगैरह जितने भी भारत के प्रमुख हैं उसको लेके आए हैं बिना टाइम देरी किए हुए, बिल्कुल फटाफट, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है तो नाम याद कर सकते हैं। तो एक एक करके चलते हैं, बहुत सारे नाम तो आपको पता भी होगा, तो शुरुआत करते हैं, तो एक से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले MD, चेयरमैन वगैरह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह जो भी है सबको एक एक करके करेंगे। तो पहले पेन ले लूँ, ब्रश। तो पहले नंबर पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि आज चुनाव का रिजल्ट भी आना है, तो चलिए उसी से संबंधित इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी इसके प्रमुख हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर है, बस आपको देखना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उसके बाद है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग देख लीजिएगा तो राजीव महर्षि जी हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जिसको अजीत कुमार डोभाल सब लोग जानते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के राजीव जैन, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ बार्क कौन है, कमलेश नीलकंत जैन जी हैं। तो ये इतने हो गए, ये मेन बहुत प्रश्न पूछा है। इस बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट के चेयरमैन पूछ दिया गया है कल वाले एग्जाम में, तो इनके नाम है सेतु राथम रवि, एस रवि भी कई जगह लिखा हुआ रहता है तो याद रखिएगा। उसके बाद इनके BSE का ही BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही MD एंड CEO के नाम से है, तो MD और CEO कौन है, आशीष कुमार चौहान। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी शेयर मार्केट का है, तो जिसके अशोक चावला जी अभी हैं चेयरमैन। और उसके बाद से इन्हीं का CEO और MD की बात करेंगे तो विक्रम लंबे लीमाए। तो ये इतने सारे टॉपिक हो गए। उसके बाद आपके चेयरमैन ऑफ इसरो, भारत कई बार स्पेस के दिया रहता है तो ध्यान लीजिएगा, चेयरमैन ऑफ स्पेस यानी भारत के स्पेस एजेंसी के लिए तो के सीवन भी पढ़ते हैं हिंदी में, तो ये इतने हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसके बाद एडजस्ट करते हैं 11 के बाद 12 से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KVenugopal, आपने सुनी रखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, KVenugopal। उसके बाद सेंट्रल बिजनेस कमीशन CBC KV चौधरी, उसके बाद है फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष, उसके बाद आपका है SBI के चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार, LIC के चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन BK शर्मा, उसके बाद NABARD के चेयरमैन, नेशनल एग्रीकल्चर और बैंक वाला जो है आपका उसके चेयरमैन के लिए बोला जा रहा है तो हर्ष कुमार भानवाला, उसके बाद NESCOM ये भी बहुत बार पूछ चुका है नेशनल वाला, उसके हैं रिशद प्रेम जी, उसके बाद अगला है PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन तो यह है विवेक गोयन का, ये पिछले LPCVT में 2-3 बार प्रश्न पूछा था। उसके बाद इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के चेयरमैन कौन है, विवेक देवराय जी हैं। उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो ये कल प्रश्न आ चुका है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम एन, तो ये प्रश्न कल आ चुका है आपका NTPC में JEE एग्जाम में से। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष
वायुसेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष। तो थल सेना के जानते ही हैं जनरल बिपिन रावत, और कई बार ये जनरल पूछ दिया जाता है जनरल किस में लगता है। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष में क्या लगता है, एयर चीफ मार्शल तो कौन है, वीरेंद्र सिंह धनोआ। उसके बाद आपका जल सेना अध्यक्ष में क्या लगता है, एडमिरल तो सुनील लंबा। तो एडमिरल सुनील लंबा, जनरल बिपिन रावत थल सेना, वायुसेना के अगर देखें तो वीरेंद्र सिंह धनोआ एयर चीफ मार्शल। तो ये हो गए टॉपिक अभी यहाँ तक। इसके बाद आप देख लीजिए तो यहाँ पे हमारे 24 नंबर तक हम पहुँच गए हैं। अब 24 से ऊपर की बात करते हैं, तो 24 से ऊपर बात करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। तो 24 के बाद हमारे पास है 25 से शुरू है। तो जीएसटी दो अभी हाईलाइट है, तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं। उसके बाद चेयरमैन इसके सेक्रेटरी कौन है रेवेन्यू के लिए, जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी रेवेन्यू उसके लिए, तो इनका है हंसमुख अधिया। उसके बाद आपका है जीएसटी काउंसिल ऑफ कमिश्नर कौन है, तो यह है शशांक प्रिया और दीपराज रस्तोगी। ये दो क्या हैं, जीएसटी काउंसिल ऑफ कमिश्नर। तो कितने हो गए प्रश्न, 27 हो गए। उसके बाद अगला देखिएगा, डिफेंस सेक्रेटरी, भारत के डिफेंस के सेक्रेटरी कौन है, तो संजय मित्रा जी हैं। तो उसके बाद सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर, तो ये सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं। और अगला है फॉरजिन सेक्रेटरी, विदेश सेक्रेटरी एमईए, तो विजय केशव गोखले। ये तीनों नाम याद रखिएगा, और बहुत सारे सेक्रेटरी है लेकिन मैंने थोड़ा कम लिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो जो टॉपिक आता है उसी का। उसके बाद सीआईआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो राकेश भारती मिटल। उसके बाद एफआईसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है आपके रमेश शाह जी। तो नाम खाली याद रखना है, इसमें कुछ आपको टॉपिक नहीं देना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद आरबीआई के गवर्नर जानते ही है आप, शशिकांता दास दी है, गलती से उर्जित पटेल नहीं लगा दीजिएगा, ये चेंज हो चुके हैं। उसके बाद है सेबी चेयरमैन, तो अजय त्यागी सेबी, आपका शेयर मार्केट से ही ये भी रिलेटेड है। उसके बाद है ट्राई टेलीकम्युनिकेशन का, इसके चेयरमैन कौन है, तो ये है राम सेवक शर्मा। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम का, तो ये जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के हैं उसके लिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा राम सेवक शर्मा। तो ये हो गया 35। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, तो अगले पेज पे कुछ बने हुए हैं उनको भी देख लेते हैं कौन कौन है। तो ICIA, ये क्या है, बैंक से रिलेटेड है, जिसमें क्या है चार्टेड अकाउंटेंट का जो होता है, इनके प्रेसिडेंट कौन है, तो नवीन एनडी गुप्ता। उसके बाद है IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी आपका है, उसके चेयरमैन, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र खुंटिया, नाम देख लीजिए खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया। उसके बाद PFRDA पेंशन फंड जो भारत का है, उसके चेयरमैन की बात है, तो इसमें हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर है। उसके बाद ICC के चेयरमैन, पिछले कल के प्रश्न में जेई में आ चुका है, ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर। ICC के CEO कौन है, तो डेविड रिचर्डसन है, तो ये भी हो सकता है पूछ दिया जाए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके चेयरमैन शशांक मनोहर, कल के पेपर में आ चुका है। उसके बाद ICC के CEO के बात कर ही लिए, डेविड रिचर्डसन। फीफा फुटबॉल, वर्ल्ड फुटबॉल के लिए उनके प्रेसिडेंट कौन है, तो गियोमी विनकेंजो इनफेंस्टियो, नाम देख लीजिएगा, स्विस के हैं, तो GVI याद रखिएगा, GVI फीफा के। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड या मुद्रा फंड कह सकते हैं जो विश्व का है, तो क्रिस्टिन लागार्ड। उसके बाद IOC के प्रेसिडेंट, ओलंपिक के लिए जो होता है उसके लिए प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैच। उसके बाद WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो यहाँ डॉक्टर टेड्रस अधानोम, नाम देखिए मुझे भी नहीं देखा रहा है, ग्रेवियस्टस नाम देखिए कितना टेढ़ा है, तो TAG टैग WHO।
उसके बाद WTO डायरेक्टर जनरल, तो यहाँ है रोबेंटो अंजान अजे बेंडो, रोबेंटो अजे बेंडो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व का व्यापार, विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे। उसके बाद आपके पास है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये बार बार प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा, रेलवे के एग्जाम में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पता होना चाहिए। तो ये हैं बीके यादव जी, बी के यादव जी। उसके बाद आपके 45 नंबर पे एक प्रश्न और है, एनआरसी एनएचआरसी इंडिया के चेयरमैन कौन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, तो एचएल दत्तू हैं, एचएल दत्तू, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन रेगुल कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी है, तो इसमें आप एच एल दत्तू देखिएगा। उसके बाद कुछ और थोड़े से और बच गए हैं 45 के बाद, तो 45 के बाद 46 से अब आएंगे हम, तो 46 में आप देखिएगा, तो 46 में आपका है चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। इसके बाद एसटी एसटी का भी पूछ दिया जाता है, ओबीसी का भी पूछ दिया जाता है, तो देख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ उसको, तो यहाँ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, तो इसके लिए है सैयद गोयल हसन रिजवी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के COIMG संदीप बैक्सी, ये कल जेई में आ चुका है, आईसीआईसीआई बैंक के COIMD कौन है, संदीप बक्सी हैं, इनसे पहले कौन थे उनके बारे में हाईलाइट है बैंक का, तो इसलिए पूछ दिया गया है ये प्रश्न को, क्योंकि कुछ करप्शन के चार्ज में कुछ केस हुआ है इस केस में, तो उस केस में इस प्रश्न को लाया गया है। उसके बाद होम सेक्रेटरी भारत के, तो राजीव गाबा। उसके बाद है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ PM, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम क्या है, तो निर्वेंतर मिश्रा। ये पिछले एग्जाम में 3 बार प्रश्न आया था LPCVT 1 या 2 में, तो इसको देख लीजिएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM निर्वेंतर मिश्रा। उसके बाद है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन से हैं, तो यहाँ प्रदीप कुमार सिन्हा जी हैं। उसके बाद PNB की बात करेंगे, PNB बैंक के MD और CEO श्री सुनील मेहता जी हैं। PNB भी केस में आया था कुछ फ्रॉड के केस में, इसलिए भी ध्यान दीजिएगा, कुछ पैसे भी इनके आपका कुछ इधर उधर हुआ है उस केस में भी आया है, तो श्री सुनील मेहता, इसलिए PNB का नाम आ सकता है। उसके बाद IDBI बैंक के MD और CEO, तो ये कौन है, श्री राकेश शर्मा। और फाइनली जो है हमारे पास IPL इंडियन प्रीमियर लीग, तो राजीव शुक्ला इसके चेयरमैन हैं। तो ये IPL का संस्करण भी समाप्त हुआ है अभी, उससे भी प्रश्न आ रहा होगा, देखिएगा। और कुछ लोगों का सवाल आता है कि प्रश्न थोड़ा ज़्यादा लाएं, तो अगर हो सकता है आपके पास प्रश्न आ रहा है कि एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आ रहा है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक और छोटा सा प्रयास आपके लिए थोड़े थोड़े करके लाया जा रहा है, तो चलिए इस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा, और अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है कहीं ना कहीं प्रश्न गलती होती है, क्योंकि हमने जो लिखा है वो हो सकता है 15 दिन पहले का हो, 1 महीना पहले का हो, और बीच में कोई चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ चेयरमैन MD CEO प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डायरेक्टर कमिश्नर एडवाइजर गवर्नर वगैरह भारत के जितने भी प्रमुख थे उसको RRB JE NTPC स्पेशल टॉपिक यहाँ लेके आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।